दो दिन पहले लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई की रेड पड़ी थी, लेकिन अब आरजेडी के तरफ से भाजपा पर बड़ा हमला बोला गया है। आरजेडी के दफ्तर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और गेट के सामने देख सकते हैं इस तरह का पोस्टर लगाया गया है, और इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और ऊपर क्या लिखा हुआ आपको हम बता रहे हैं, तो हम सीबीआई भेजेंगे, और साथ में लालू प्रसाद यादव की भी तस्वीर है और एक 10 सर्कुलर का जो राबड़ी आवास है वो भी गेट को दिखाया गया है जहां पर सीबीआई की रेड पड़ी थी। तो और दूसरी तरफ सबसे दिलचस्प तस्वीर है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की, दोनों मिलकर जातीय जनगणना कराएंगे। तो नीतीश कुमार का तस्वीर है और इस तस्वीर को लेकर के भाजपा भी काफ़ी टेंशन में है, और एक पिंजरे में सीबीआई और उसके अंदर तोता रखा गया है, और सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग बंद करो, राजद की तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया है। लेकिन राजद की तरफ से ये हमला इसलिए बोला गया है क्योंकि जो सीबीआई की रेड पड़ी है उसके टाइमिंग को लेकर के लगातार सवाल उठाया जा रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात कई मौके पर होती रही है, नज़दीकियाँ बढ़ी है, इसको लेकर के कहा जा रहा है कि भाजपा टेंशन में है कि कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से राजद के साथ न चले जाए और भाजपा को विपक्ष में बैठना पड़ जाए। लगातार सीबीआई का दुरुपयोग करने का भाजपा पर आरोप लगता ही रहा है, लेकिन अब जैसे ही लालू परिवार पर सीबीआई की रेड पड़ी उसके बाद से ही राजद के कार्यकर्ता लगातार सीबीआई का दुरुपयोग करना बंद करो भाजपा के खिलाफ आरोप लगा रही है, और जिस तरह से 17 ठिकानों पर लालू यादव के छापा पड़ा सीबीआई का, उसके बाद से लगातार सीबीआई के कार्यकाल पर सवाल उठाया जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पर अगला कार्रवाई क्या होता है, लेकिन अब भाजपा की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जानबूझ करके इस मामले में साथ में दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार की छवि अलग है और लालू प्रसाद यादव की छवि अलग है। बता दें कि सीबीआई का जो रेड पड़ा है, सीबीआई की रेड इसलिए पड़ी है क्योंकि 2004 से 2009 का ये मामला है, भर्ती घोटाले का ये मामला है, नौकरी के बदले ज़मीन देने का आरोप है लालू यादव के ऊपर। अब देखना होगा, सीबीआई इस पर अभी कुछ कहने से अभी बच रही है, सीबीआई सिर्फ अभी रेड की है लेकिन ये नहीं बताई है कि अभी क्या कुछ हुआ है। एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया है, लेकिन राजद के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ में जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर के जातीय जनगणना जरूर कराएंगे। अब देखना होगा कि जातीय जनगणना कब तक कराते हैं। यहाँ तक के कहा जा रहा है इस राजद के नेताओं का कि सीबीआई की रेड लालू परिवार पर इसलिए तो बहाना है, लेकिन असल में नीतीश कुमार को डराना है। नीतीश कुमार को इसलिए ऐसे सीबीआई का रेड करके डराया क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर भी कई सारे आरोप लगा रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री जब एनडीए से अलग थी जेडीयू, तो प्रधानमंत्री बिहार में रैली में आए थे और कई घोटालों का उजागर किया था और 65 घोटाले गिना दिए थे मन से ही। अब देखना होगा कि बिहार में कितनी जल्द सियासत करवट लेती है। लालू प्रसाद यादव अभी दिल्ली में हैं और तेजस्वी यादव लंदन में हैं। अब देखना होगा तेजस्वी यादव बिहार लौटते हैं तो क्या कुछ कहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने ट्विटर के माध्यम से कहा था कि न डरेंगे न झुकेंगे। लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया था, तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट किया था। लालू प्रसाद यादव की जो बेटियाँ हैं वो ट्विटर पर तो ट्वीट की झड़ियाँ लगा दी थी और लगातार भाजपा को कोस रही थी। अब नीतीश कुमार सीधा सीधा बोलने से बच रहे हैं। कल एक लाइन में नीतीश कुमार का जवाब आया था कि जिनके यहाँ रेड पड़ी है, जो रेड मरवाए हैं उनसे जाकर के पूछिए, तो इससे भाजपा की टेंशन और बढ़ जाती है। अब देखना होगा नीतीश कुमार आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला लेते हैं, इसी पर सभी लोगों की निगाहें हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ, धन्यवाद।